मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भोपाल में एक ट्रेनी अग्निवीर द्वारा 50 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद कांग्रेस ने राज्य की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर में आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना को लेकर भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर तीखा हमला बोला है। एसपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। उन्होंने भोपाल की लूट और इंदौर की घटना का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी ने इन घटनाओं में त्वरित कार्रवाई का दावा किया है और कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। भोपाल के एसएस ज्वेलर्स पर हुई लूट की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया है, जो कि एक ट्रेनी अग्निवीर है। उसके साथ अन्य आरोपी जिनमें विकास, मोनिका, आकाश, गायत्री और अमित रॉय शामिल हैं, को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को सही दिशा नहीं मिल रही है। इंदौर के भंवर कुआं थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। यह घटना बाइक को कट मारने के विवाद से शुरू हुई। आरोपी रितेश राजपूत, जो इलाके का लिस्टेड गुंडा है, पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी निराधार आरोप लगा रहे हैं।